ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी केस में दो गुटों में बढ़ चुके हिंदू पक्ष के एक साथ आने के आसार अब प्रबल होते जा रहे हैं। प्रतापगढ़ के राजघराने के महाराज उदय प्रताप सिंह, जो राजा भैया के पिता हैं, इस केस में एंट्री कर ली है और उनकी एंट्री के बाद से लगातार दोनों हिंदू पक्ष के बीच दूरियां खत्म होती दिखाई दे रही हैं। विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से भद्री राजघराने के उदय प्रताप सिंह को केस का पावर ऑफ अटॉर्नी दिए जाने के बाद हिंदू पक्ष के दोनों गुटों में बातचीत शुरू हो गई है। इसकी पुष्टि खुद उदय प्रताप सिंह ने वाराणसी में की। उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जब से वह केस में आए हैं तब से हिंदू पक्ष के दूसरे गुट के अधिवक्ता उनसे संपर्क में हैं और उनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं और वो भी यही चाहते हैं कि हिंदू पक्ष एक साथ मजबूती से इस केस को लड़े। आपको बता दें, ज्ञानवापी केस में दो गुटों में बटे हिंदू पक्ष की चार महिलाओं के अधिवक्ताओं ने बद्री घराने के नरेश उदय प्रताप सिंह से मुलाकात करने की पहल की है। उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जल्द ही हिंदू पक्ष एक साथ बैठकर इस पूरे केस पर चर्चा करेगा और सभी विवाद को खत्म कर दिया जाएगा। ज्ञानवापी से जुड़े दो प्रमुख मुकदमों की पावर ऑफ अटॉर्नी उदय प्रताप सिंह को सौंप दी गई है। इसके बाद से ही लगातार हिंदू पक्ष के दोनों गुट सभी विवादों को समाप्त करने में लगे हुए हैं। उदय प्रताप सिंह ने बताया कि जो भी विवाद है उसे बातचीत के जरिए दूर कर लिया जाएगा। ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी के नित्य दर्शन पूजन के केस की वादी महिलाओं और अधिवक्ताओं के विवाद के बाद केस पर इसका प्रभाव पड़ रहा था। उधर हिंदू पक्ष में विवाद के बाद लगातार हिंदू पक्ष की वादी महिलाएं और अधिवक्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे थे। इन सबके बीच करीब एक साल तक केस के पैरोकार विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन वाराणसी भी नहीं आए। अब विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह के द्वारा दो प्रमुख पावर ऑफ अटॉर्नी उदय प्रताप सिंह को बनाए जाने के बाद हिंदू पक्ष के दूसरे गुट से वार्ता शुरू हो गई है। ऐसे में दोनों गुट में यदि विवाद सुलझ जाता है तो ज्ञानवापी केस में एक बार फिर हिंदू पक्ष मजबूती से इस केस को लड़ेगा। एक साथ होकर मुकदमा लड़ेंगे? बिल्कुल, 16:30 आना हम चाहते हैं कि दोनों मिलकर चलें। इसकी कवायद आपकी तरफ से की जाएगी कि सब लोग एक साथ आ जाए? उन्होंने हमसे संपर्क किया है कि हम लोग भी मिलना चाहते हैं आपसे। हमने कहा स्वागत है आपका, मैं आ रहा हूँ 16 को बनारस, अगर आप चाहें तो मिल लें। हम तो चाह ही रहे कि सब मिलकर चले, क्यों विवाद हो। अगर पहल हुई तो क्या सारे मतभेद भुला दिए जाएंगे? जी, सारे मतभेद भुला दिए जाएंगे। हमारे मन में तो कोई भेदभाव था ही नहीं शुरू ही से, और भुलाने का इसलिए प्रश्न नहीं है कि हमारे था ही नहीं मन में कोई। अगर था कोई पुराना भेदभाव और वो मिलना चाह रहे हैं अब, तो स्वागत है उनका, हमें कोई मलाल नहीं हुआ। आपसे किसने संपर्क किया है? आपसे किसने संपर्क किया? हरिशंकर जैन जी ने किया, विष्णु शंकर जैन जी ने किया, या सुधीर तपाटी ने किया? नहीं, हमसे कोई एडवोकेट ने उनकी तरफ से संपर्क किया कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। हमने कहा स्वागत है उनका, जब भी चाहे हम बनारस में आ रहे हैं मिलने। महाराज, ये मामला काफी दिनों चल रहा है, अचानक से ये भाव आपके पास आपको आया कि हम इस मुकदमे में शामिल हों, या किसी ने आपसे कहा? और भाव आया कैसे आया? इतनी मामला काफी दिनों से चल रहा है। हाँ, हमको कुछ पुराना इसका इतिहास नहीं पता था। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा आपका स्टेटमेंट कि मैं परेशान हो गया हूँ, मैं छोड़ दूंगा मुकदमा। इससे बहुत हमको दुख हुआ। हमने तुरंत संपर्क किया, दिल्ली गए, इनसे मिले, अपनी तरफ से हमने कोशिश करी कि न हो वापस मुकदमा। तो बिसेन जी ने कहा कि आप रहिए हमारी तरफ से, पैरोकारी करिए, हमने स्वीकार कर। आपको क्या लग रहा है सरकार किस तरीके से इस मामले को देख रही है, इस पूरे मामले को जो ज्ञानवापी को लेकर चल रहा है, सरकार का क्या किस तरह का उसमें वो है रुझान है, क्या लग रहा है आपको? प्लीज रिपीट, क्या सरकार का रवैया कैसा है इस पूरे केस को लेकर? हमको कोई ज्ञान नहीं है इस केस में सरकार के रवैया का। जी, अब तो अभी हमने जो सुना थोड़ा बहुत, अब कोर्ट में जाएंगे, कागज देखेंगे तो देखेंगे कि सरकार का क्या रवैया। हमारे बेटे से इससे कोई मतलब नहीं, हम अपना हमारी भाव अलग है, उनकी राजनीति। महाराज जी, क्या ये भी कोशिश होगी कि आप और राजघरानों को जोड़ने की कोशिश करेंगे इस पूरे केस से? हम अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करेंगे, जो जुटना चाहे आवे जुट जाए। यूपी न्यूज 9 के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।